नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो टॉक यूट्यूब चैनल। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए डेली हॉरोस्कोप यानी दैनिक राशिफल। बताऊंगी आपको दिन कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज के दिन मैंने कोई क्वेश्चन पिक नहीं किया है, इसलिए क्योंकि आज मंथ का एंड है, यानी आज मई मंथ खत्म हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल टिप देने वाली हूँ जिसको हर कोई कर सकता है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी अगर ये जो है आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज जो है, चाहे वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से हो, हेल्थ से हो, बहुत सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट रेमेडी जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने नहाने के पानी में जो है उसमें एक चुटकी हल्दी जो है डाल के नहाना है। आपको दूसरी चीज जो करनी है कि आप सूर्य देवता को डेली जल चढ़ाया करें, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से, मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज, हनुमान चालीसा का चयन जो है, हनुमान चालीसा का जाप जो है आप हर दिन किया करें, अगर सुबह शाम पॉसिबल नहीं है तो एक टाइम करें, लेकिन रोज किया करें। और एक और खास चीज, गाय को रोटी खिलाना। जी हाँ, ये भी बहुत ही असरदार रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में। आप अगर गाय को हर दिन एक रोटी खिलाते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आज मंथ का एंड है तो कोशिश कीजिए कि जो भी जितने भी आप केपेबल हैं, अगर कुछ डोनेट कर सकते हैं तो दान जरूर कीजिए। दान से भी हमारी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो पांच मैंने आपको आसान रेमेडीज बताएं जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। तो आज दिन है मंगलवार, तिथि की बात करें तो है प्रतिपदा, नक्षत्र है रोहिणी, बात करें दिशा शूल की तो है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर दिशा में आपको ट्रेवल नहीं करना है, ना ही कोई इधर फेस रखकर इंपॉर्टेंट काम करना है, जाना बहुत जरूरी है। तो आज अपने इष्ट देवता का नाम लेकर जाइएगा। बाकी बात करें चंद्र देवता की तो वो आज रहेंगे वृषभ राशि में, यानी राशि चक्र की दूसरी राशि में, इसलिए बताते हैं किसी के बेसिस पे आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो ये तो हो गई पंचांग की बात, अब जान लेते हैं आज का दिन का पूरा हाल। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। सबसे पहले आज के दिन मेष राशि वालों को थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है। कोई आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है काम में, कोई आपके पीछे पड़ सकता है घर में, जिसको नहीं पसंद करते हैं आपको बार बार पोक कर सकता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। पैसे का फ्लो आज आपकी लाइफ में अच्छा है, यानी पैसा आज ठीक रहेगा। वहीं हेल्थ की बात कर ली जाए तो दिन ढलते ढलते एनर्जी आज आपकी खत्म होने वाली है। जो लोग पहले से बीमार हैं, रूटीन चेकअप की जरूरत होगी। लवर्स और मैरिड लोगों को एक खास सजेशन आज के दिन के लिए है कि बोलने से पहले सोचिएगा, नहीं तो आज आपकी बात से आपका पार्टनर जो है उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। हाउसवाइफ आज कहीं जा सकती है, कुछ खास कर सकती है। रेमेडी क्या है तो आज हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर की बात की जाए तो है 3। अब बात करते हैं टॉरियंस की, यानी वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ के मामले में आज दिन का फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं है। चोट लग सकती है, हेल्थ में अचानक से कुछ चेंज आएगा, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी पैसों की बात की जाए तो आज जिसको आपने पैसा दिया था वो पैसा आपको वापस मिलने वाला है। लवर्स और मैरिड लोग आज खुश नजर आएंगे, अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नजर आएंगे। वहीं जॉब और बिजनेस करने वालों को आज सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आज का दिन जो है आपके लिए उस तरीके से शुभ नहीं है जिस तरीके से आप प्लान करेंगे। हाउसवाइफ की बात की जाए तो आज के दिन जो है किचन में बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। आपके लिए रेमेडी क्या है तो आज के दिन जो है आपको बंदरों को गुड़ चना खिलाना है। आपके लिए लकी कलर है रेड, लकी नंबर की बात की जाए तो है 2। अब बात करते हैं जमिनाई वालों की, यानी मिथुन राशि वालों की। तो आज के दिन भागदौड़ वाला टाइम जो है वो आपका रहेगा फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में आप रिलैक्स रहेंगे। आज किसी पुराने फ्रेंड से बातचीत हो सकती है, उनसे बहुत सारी डीप कन्वर्सेशन होगी आपकी। वहीं लवर्स और मैरिड लोग आज अपने पार्टनर से ज्यादा किसी थर्ड पर्सन में या किसी और चीज में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। हाउसवाइफ की बात की जाए तो आज हो सकता है कि आप अपने घर के लोगों से कुछ नाखुश नजर आएं। आपके लिए रेमेडी क्या है तो आज हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर भी रेड ही है, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 1। अब बात करते हैं कैंसरियंस की, यानी कर्क राशि वालों की। तो दिन की शुरुआत जो है आज आपकी बहुत ही अच्छी चीजों से होगी। आज पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। वहीं आज का दिन नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अगर आप नेचर में वॉक करते हैं तो ये अच्छा है। बाकी जॉब और बिजनेस करने वालों को कुछ भी सोच समझ कर करने की जरूरत है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हाउसवाइफ आज के दिन कहीं जा सकती हैं या कोई आज आपके घर पर आ सकता है, यानी आज आप किसी से मिलने वाली हैं। रेमेडी क्या करनी है तो आज के दिन जो है माँ दुर्गा की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर की बात की जाए तो है 1। अब बात करते हैं लियो वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। आज आपके घर के जो बच्चे हैं, आपके घर के जो छोटे हैं, वो आपको बहुत खुशी देंगे। वहीं स्टूडेंट्स आज अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ उनका रिजल्ट उनके
जो है मर्जी के मुताबिक आ सकते हैं, कोई खास चीज उनके लाइफ में हो सकती है। जो हमारी हाउसवाइफ है उनकी बात की जाए तो आज के दिन जो है आप धार्मिक चीजों में मन ज्यादा लगाएंगी। वहीं जो लवर्स और मैरिड लोग हैं उनकी बात की जाए तो आज पार्टनर आपसे कोई शिकायत कर सकता है, रेमेडी क्या करनी है। तो आज के दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर है आज ग्रीन, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 5। अब बात करते हैं वर्गो की यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले आज ट्रेवल करते टाइम थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई चीज खो सकती है, चोरी हो सकती है आपकी, तो अगर ट्रेवल करते हैं तो बहुत ध्यान से ट्रेवल करना है आपको। वहीं आज के दिन जो है आपके जो बच्चे घर के बच्चे हैं वो हाउसवाइफ जो है उनको बहुत परेशान करने वाले हैं। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आज कोई आपका जो है कॉम्पिटिटर आपको या जो साथ काम करता है आज आपके लिए कुछ गलत सोच सकता है, कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, तो सावधान रहना होगा। लवर्स और मैरिड लोगों की बात की जाए तो पार्टनर आज जो है आपकी कोई चीज में कमी निकाल सकता है, रेमेडी क्या करनी है तो आज के दिन जो है सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर रेड है, लकी नंबर की बात की जाए तो 3। अब बात करते हैं लिब्रा की यानी तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए आज दिन जो है कह सकते हैं कि आपको अपनी मेहनत से अच्छा बनाने की जरूरत होगी, हर चीज में एफर्ट लगेगा आपका, लक बहुत कम सपोर्ट करने वाला है। हाउसवाइफ को आज काम में किचन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आज हो सकता है कोई आपका पेशेंस टेस्ट ले। वहीं लवर्स और मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज पार्टनर आपकी हर बात जो भी आप बोलेंगे या जो भी आप करेंगे उसके अगेंस्ट जाएगा, यानी उसके उल्टा ही चलते रहेगा वो। आज आपके लिए बात करें रेमेडी की तो आज के दिन जो है आपको माता या माता के समान जो भी आपकी लाइफ में लेडी है उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करनी है। आपके लिए लकी कलर ऑरेंज है, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 2। अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की यानी वृश्चिक राशि वालों की। दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से हो सकती है, दिन ढलते ढलते कहीं जाना पॉसिबल है, हेल्थ में अच्छा चेंज दिखेगा आपको। वहीं बात की जाए पैसों की तो उसका भी आपका कंडीशन ठीक रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में आज किसी की एंट्री है, जो लोग वर्किंग हैं उनकी बात की जाए तो आज हो सकता है काम का बोझ ज्यादा रहे, रेमेडी क्या करनी है तो आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर में पेड़ पौधे लगाइए या अगर आपके घर में गार्डन है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसमें जो है आप पानी वगैरह डालिए, उसकी कटिंग वटिंग कीजिए, यानी आपको नेचर से कनेक्ट होकर रहना है। आपके लिए लकी कलर आज ग्रीन है, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 4। अब बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि वालों की। तो धनुराशि वालों के लिए आज जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे किसी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आज वो चीज होने वाली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लवर्स और मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज के दिन आपका पार्टनर जो है आज थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो आपको उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आज अपने काम में ज्यादा आपका मन नहीं लगने वाला है। हाउसवाइफ की बात करें तो आज के दिन कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपके घर पे आ सकता है। आपके लिए रेमेडी क्या है तो आज के दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ डोनेट कीजिए, कुछ दान कीजिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 3। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आज के दिन हो सकता है कि आप अपने घर में अपने किसी घर के इंसान से भिड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो बोलने से पहले आज आपको सोचने की जरूरत है, आज आप जो है इमोशंस में आके किसी को कमिटमेंट दे देंगे और वो चीज आपके लिए गलत हो जाएगी, तो कोई भी प्रॉमिस करने से पहले या बोलने से पहले सोचिएगा जरूर। लवर्स और मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज लव पार्टनर आपसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट लेने वाला है। हाउसवाइफ की बात करें तो आज आपका जो हस्बैंड है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, आपके काम में भी किचन में भी आपकी हेल्प कराएगा। आपके लिए रेमेडी क्या है तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 3। अब बात करते हैं एक्वेरियंस की यानी कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की जाए तो आज के दिन आपके स्टूडेंट्स को उनके माता पिता की तरफ से, घर के बड़ों की तरफ से डांट पड़ सकती है। जॉब और बिजनेस करने वाले आज किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, यानी कोई काम बीच में अटक सकता है। लवर्स और मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज लव पार्टनर आपको पूरे दिन जो है कॉल मैसेज करके आज अपनी जो है प्यार को दर्शाते रहेगा, यानी अपनी फील कराते रहेगा अपने लव को। वहीं जो हाउसवाइफ है उनकी बात की जाए तो आज के दिन आपके इन लॉज की तरफ से कोई मेल मेंबर जो है आपकी तारीफ करने वाला है। रेमेडी क्या है तो आज के दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर रेड है, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 5। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं तैयार हो जाइए, कोई खास चीज आपके साथ होने वाली है। जॉब और बिजनेस करने वाले आज स्किल्स अपने इम्प्रूव करने के लिए कोई नई चीज सीख सकते हैं। लवर्स और मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज ब्यूटी पे, अपनी पर्सनालिटी पे आज आप ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। वहीं हाउसवाइफ की बात कर लें तो आज के दिन आप अपने किचन के लिए या खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर सकती हैं। रेमेडी क्या है तो आज के दिन जो है आपको श्री राम की पूजा जरूर करनी है।
आपके लिए लकी कलर आज व्हाइट है, लकी नंबर की बात की जाए तो वो है 4। तो जाना हमने इस वीडियो में कि मे मंथ का लास्ट डे कैसा रहेगा, यानी 31 मई जो है आज है, तो कैसा रहेगा आप सभी के लिए आज का दिन। हमने आपको बहुत सारे टिप्स जो है वीडियो की शुरुआत में भी दिए कि कैसे आप जो है अपने बीते हुए जो महीना बीत गया ये इसको आप कैसे इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करके, आने वाले महीने में आप क्या उपाय कर सकते हैं, और जो भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं लिख डालिए आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि हर शाम 7 बजे मैं आती हूँ उस चैनल पे, तो आपके लिए जब राशिफल बताती है तो उसके साथ साथ मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हूँ, तो अपने प्रॉब्लम्स लिखा करें। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से आप जिनका बर्थडे एनिवर्सरी कोई खास दिन आज के लिए सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए इस टॉक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।